इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के पहले मैच में महेंद्र सिंह धोनी का धमाल देखने को मिला। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान धोनी ने 38 गेंदों में नाबाद 50 रन ठोक दिए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। उनकी इस पारी की दम पर ही चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 131 रन बना सकी। धोनी की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया आने लगी है। दरअसल 40 साल के हो चुके धोनी को शुरू में रन बनाने में काफी परेशानी हुई। शुरुआती समय में पहले 15 रन 25 गेंदों में बनाए, लेकिन अगले 35 रन सिर्फ 13 गेंदों में बना दिए। भले ही उनकी उम्र ज्यादा नहीं हो, लेकिन धोनी ने आखिरी के 3 ओवर तक विकेट बचाकर और फिर ताबड़तोड़ शॉट खेले। उन्होंने रसेल के 18वें ओवर में 3 चौके जड़े और यहीं से खेल का पासा पलट दिया। धोनी ने 20वें ओवर की 5वें गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को 131 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। धोनी और जडेजा ने आखिरी 18 गेंदों में कुल 47 रन बनाए। वहीं इसी के साथ धोनी ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वह आईपीएल इतिहास में अर्धशतक लगाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने केकेआर के खिलाफ 40 साल 262 दिन की उम्र में 50 ठोका। बता दें कि आईपीएल में 50 जड़ने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट हैं। उन्होंने 41 साल 181 दिन की उम्र में 8 लगाया था। खैर दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।